विशेष अनुभूति क्या होती है? ये तो सब दिख ही रहे हैं, पृथ्वी दिख रही है, पानी भी दिख रहा है नदी में, और रोज पानी पी रहे हैं, रोज पृथ्वी पे रहते हैं, देख तो रहे हैं, फिर और क्या बच गया इसमें? और ये बच गया कि अभी हम इसको मोटा मोटा जानते हैं, पूरा गहराई से नहीं जानते। मोटा मोटा कैसे जानते हैं? मोटा मोटा ऐसे जानते हैं कि अगर पूरा समझ में आ जाए तो इसके पीछे भागना छोड़ देंगे। आज आप मॉल में जाइए, बाजार में जाइए, देखो कैसी बढ़िया बढ़िया चमकीली वस्तुएं दिखती हैं, अच्छी अच्छी आकर्षक सुखदायक, फिर व्यक्ति उनमें फंस जाता है, हैं? वो फिर वस्तुएं खरीद लेता है, वो कहता है ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी सुंदर है, ये भी सुखदायक है, ये बढ़िया फैशन की है, और ये घर में रखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे घर के लोग भी, बाहर के लोग भी। तो उन चीज़ों में जो सुख दिख रहा है, इसका मतलब अभी पंचमहाभूत को आप ठीक से नहीं समझे। जब ये ठीक से समझ में आएंगे तो किसी वस्तु में सुख नहीं दिखेगा, फिर सुख के साथ साथ दुख भी दिखेगा। पिछले 2-3 दिन से हमारी चर्चा चल रही है, संसार में केवल सुख है या दुख भी है? लोगों को सुख दिखता है या नहीं? सुख दिखता है ना, दुख कहाँ दिखता है? जिसको दुख दिखता है वो भाग जाता है घर छोड़ के। महर्षि दयानंद देखो घर छोड़ के भाग गए, हाँ या ना? उनको दुख दिखाई दिया, भाग गए। महर्षि याज्ञवल्क्य को दुख दिखाई दिया, वो घर छोड़ के भाग गए। तो जिसको दुख दिखता है वो भाग जाता है घर छोड़ के, ये उसकी पहचान है। तो जो घर में बैठे हैं समझ लेना अभी उनको पूरा दुख नहीं दिखाई दिया। अगर सामने से ट्रक आता हो तो आप वहां खड़े रहेंगे या भागेंगे? बोलिए, क्या ये पलायनवाद है या बुद्धिमत्ता है? ट्रक के आगे से भागना ये पलायनवाद है या बुद्धिमत्ता है? फिर जब वो देख रहा है यहाँ भयंकर झंझट है, वो भागता छोड़ के, ये पलायनवाद कैसे हुआ? ये बुद्धिमत्ता है। दुख भोगने के लिए नहीं आए यहाँ? हाँ जी, मने सारे दुख दिखे, सारे ग्रस्ती रो रहे, ये दिखा है। मने यो दिखा, यो सारे गृहस्थी रो रहे हैं शादी कर करके, यो मने दिख गया इसलिए मैंने शादी ना करी। ठीक है ना, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य बच्चे पालना है या कर्तव्य दुख से छूटना है? बताइए क्या है कर्तव्य? तो फिर हम तो दुख से छूट रहे हैं, हम पलायनवादी कहाँ हैं? आ बैल मुझे मार, ये तो मुसीबत मोल लेने वाली बात है। जिन लोगों ने शादियां करी हैं, आ बैल मुझे मार, खुद मुसीबत गले मोल ली है, अब वो दुख भोग रहे हैं और दूसरे को भी फंसाना चाहते हैं। तू कहाँ जा रहा है? तू भी फंस। हम तो फंसे, तू कहाँ जा रहा है? तू भी चल यहाँ फंस। ये है संसार की सच्चाई, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है। लोग शादी में क्यों डांस करते हैं? इसलिए डांस करते हैं, हम तो फंसे, एक और फंसा, मजा आएगा, इसलिए डांस करते हैं। कर्तव्य है मोक्ष प्राप्ति करना, ये कर्तव्य है। और वो कर्तव्य में हमें दूसरों की सेवा करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। बिना रिश्ते बनाए, बिना राग बनाए, बिना शादी किए, बिना बच्चे बनाए समाज की सेवा करो, ये कर्तव्य है। जो हम कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है, मोक्ष में जा रहे हैं और समाज की सेवा करते हैं। ये गृहस्थी लोग क्या 5-25 लोगों की सेवा करते हैं? अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं और क्या करते हैं? और हम लाखों की सेवा करते हैं। बोलो, आपसे बढ़िया सेवा हम कर रहे हैं, फिर हमको पलायनवादी कहते हैं? हम पलायनवादी? आप 5-25 लोगों की सेवा करते हैं और हम लाखों की सेवा करते हैं, लोगों को मरने से बचाते हैं, लोग सुसाइड करने को तैयार बैठे। अब तक मैं 28 लोगों को सुसाइड करने से बचा चुका हूँ अपने जीवन में, छोटे से जीवन में 28 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया मैंने। ये पलायनवाद है क्या? ये देश की सेवा है। मेरी 64, अब बस दिसंबर में 64 पूरे हो जाएंगे, 1-1.5 महीना बाकी है। ठीक है, तो ये सेवा का काम है, परोपकार का काम है, मोक्ष प्राप्ति का काम है, तो ये काम करना चाहिए। इसका नाम पलायनवाद नहीं है। हम कर्तव्य पर डट के चल रहे हैं, हमारा कर्तव्य है मोक्ष प्राप्ति, और उसमें समाज सेवा करना ये कर्तव्य है।
राग द्वेष बढ़ाना, परिवार चलाना ये कर्तव्य नहीं है, ये तो टाइम पास है।